सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल, और ये होने वाला है हमारा पार्ट 4। और पिछली वीडियो के बाद मैंने इस गेम को 2 घंटे खेला था, और तुम लोग को लग रहा हो कि भाई 2 घंटे खेलने के बाद भी इसके पास 2 लाख रुपए ही है। तो 1 सेकेंड ये देख लो, तो ये हमारी सुपर कार्स की कलेक्शन, जिसमें एक से बढ़ के एक गाड़ी है। और अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैंने बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, और वो जगह हमने इसलिए छोड़ी है क्योंकि हम लोग वहाँ अपनी निशान GTR को लगाने वाले हैं। और हाँ, मैंने इस भिखारी को फाइनली खोज लिया है। ये रेड बार में पी के टूल पड़ा हुआ था, तब मैं वहाँ से उसे उठा के लेके आया हूँ। तो मैं कुछ दिन पहले कार ऑक्शन में गया था, जहाँ पे इस गेम की सबसे ज्यादा रेयर गाड़ी आई थी, जो कि है निशान GTR। और लगभग उस टाइम पे मेरे पास 6,40,000 के करीब में पैसे थे, और मैं बिल्कुल भाई टेंशन फ्री होकर बैठा हुआ था कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को ये गाड़ी मिल ही जाए, क्योंकि आज तक मैंने कोई गाड़ी 6 लाख 5 लाख से ज्यादा महंगी नहीं देखी थी। जब उस गाड़ी की बेटिंग स्टार्ट हुई तो भाई इसका जो फाइनल प्राइस था वो मेरे बैलेंस से सिर्फ 40,000 ज्यादा था। तो तुम सोच सकते हो कि मेरे को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा जब इस गेम की सबसे ज्यादा रेयर गाड़ी मेरे से सिर्फ $40,000 से छूट गई। तो आज की इस वीडियो में चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग खरीदने वाले हैं निशान GTR। और भाई कुछ भी हो जाए मतलब मैं ये वीडियो बंद ही नहीं करूंगा जब तक इसको ना कर दूं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि देख सकते हो हमारे पास 2 लाख है, और लगभग हमें $7 लाख चाहिए निशान GTR के लिए। तो अच्छा ठीक है, चलो मैंने वीडियो स्टार्ट ही किया था और यहाँ पे रात हो चुकी है, तो चलो आगे का काम करने से पहले जाके सो लेते हैं। The next day. तो चलो गाइस, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत होते ही हमें यहाँ पे 50,000 का बिल भरना पड़ रहा है। तो जल्दी से चलते हैं ऑफिस को, कि भाई हमें अपने सारी गाड़ी को साफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा गाड़ी होगी उतना ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें सबको साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ करते करते हमारी फरारी को खरीदने के लिए कुछ लोग आए हैं, तो हम लोग उनसे पहले प्राइस का डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन क्या ही देने वाला है। मैं ये गाड़ी के अंदर क्यों घुसते हो यार तुम लोग? ओके, तो मैंने इस गाड़ी का प्राइस लगाया था 4,50,000, जो ये दे रहा है 3,57,000। अच्छा रुको, मैं उन लोग से पूछ लेता हूँ। ओके, अब इन आंटी से पूछ लेते हैं ये क्या देने वाली है। 3,16,000 भाई, ये इससे भी कम दे रही है। ओके, तो पहले इन अंकल से पूछ लेते हैं जो 4,50,000 में से 4,35,000 दे रहे, ले ले भाई। ओके, तो एक काम करते हैं, अपनी बाकी गाड़ियों का भी दाम लगा देते हैं, क्योंकि हमें पैसे चाहिए लगभग 7 लाख से ऊपर ही रखने पड़ेंगे। तो मैं 8 लाख रखने वाला हूँ, ताकि बाद में कोई गलती से भी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने एक पोर्स कर दी थी जिसका प्राइस था 1,50,000, तो मैं इसका 2,50,000 मार देता हूँ। तो जब तक हमारे ऑफिस में कस्टमर आते हैं तब तक इन लोग चलते हैं ड्रैग रेस करने। और भाई अभी तक तो फरारी ही बेस्ट चल रही है हमारी, क्योंकि ये फरारी ने अभी ज़्यादा ही रेस हारा ही नहीं है, लगभग मैं 3-4 ही रेस हारा हूँ उससे। तो चलो देख लेते हैं कौन है आज ड्रैग रेस में आया हुआ। चलो कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। ओके, तो कस्टमर ऑफिस में आ गए, तो इनको छोड़ो, अब हम लोग चलते कस्टमर से पहले मिल लेते हैं। अच्छा ठीक है, वो आंटी को देखो। अब मेरे को बताओ कि मैं इससे कैसे बात करूँ, ये जो इधर घुसी है मैं बात कैसे करो इसे। भाई इतनी मेहनत की, अगर सही प्राइस नहीं दिया ना तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो भाई, मेहनत सफल रही, हमें 20,000 के लगभग का मिल गया है। ओके, तो मैंने इस गाड़ी का प्राइस 25 लाख लगा दिया। अभी 1 सेकंड अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने इस गाड़ी का दाम 25 लाख लगाया है, जहाँ तक कि मैं लगाने वाला था 2,50,000। मैं जितना लगाने वाला था उससे ये 1,000 ज्यादा ही दे रहा है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ओके, तो हमारा बैलेंस हो चुका है यहाँ पे टोटल $10 लाख, मतलब लगभग $11 लाख। तो अभी चल के सो जाते हैं, क्योंकि देखो पहली बात कि आज कुछ है नहीं, ना कार ऑक्शन है, ना कार मार्केट है, और ना कोई ड्रैग रेस करने के लिए आया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और द कार मार्केट इज ओपन, तो चलो देख लेते हैं कि कार मार्केट में कौन सी नई गाड़ी आई हुई है। ओके, तो कोई खास गाड़ी तो मेरे को दिख नहीं रही है, ये BMW देखने में तो सही लगती है भाई, ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी बोलो। ओके, ले लेते हैं। अब देखो अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बार्गेन करें, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको खरीदो और इसको भेज देते हैं। और ये भी BMW ही है, तो इसका प्राइस पूछे। अच्छा, ये BMW का कोई दूसरा है, N3 है, वो कॉप था जो भी था। ओके छोड़ो, ये नहीं चाहिए। और ये फास्ट चलती है, पता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, मैंने खुद चला के देखा हुआ है। ओके, 2,30,000 में दे रहा है, तो ना ठीक है भाई दे दे, अपने पास टाइम नहीं है कि अपन लोग वो करें बार्गेनिंग करें, तो दे दे। तो इसको भी भेज देते जल्दी से। और मेरे को यहाँ पे एक सुपरा दिखी थी, ओके चलो इसको भी ले लेते, 62 की है, तो हमें इसे ड्राइव करके ले जाना पड़ेगा। तो हमने लगा दिया अपने टोटल 3 गाड़ियों को ऑफिस में, और जल्दी से 3 का प्राइस भी लगा देते, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पैसे कम हो गए थोड़े से, मतलब $10 लाख से $7 लाख हो गए, तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ।
तो गाइस हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है लगभग 11 लाख डॉलर और अब बारी है निसान जीटीआर की। और देखो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि हमें कार ऑक्शन में बार बार जाके चेक करना होगा कि कौन सी गाड़ी आई है। वैसे हमें तो सिर्फ निसान जीटीआर से ही मतलब है, तो जब निसान जीटीआर आएगी तभी मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा 37th डे चल रहा है, तो मैं वीडियो उसी टाइम से अब कंटिन्यू करूंगा जब हमें निसान जीटीआर कार ऑक्शन में दिख जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद तुम हमारा डे देखो 81 चल रहा है, यानी कि 37 से 81। और सच में भाई एक घंटे के बाद देख सकते हो हमें निसान जीटीआर दिख रही है। और अब जल्दी से चल के बैठ जाते हैं क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मेरे को कुछ चाहिए नहीं। अपने पास 20 लाख डॉलर हो गए, और हाँ उस टाइम मेरे पास 10 लाख डॉलर थे, लेकिन भाई मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर गलती से भी कम पड़ गए ना तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने कुछ अपनी गाड़ी बेच दी है और 20 लाख डॉलर करके मैं आया हूँ लेने निसान जीटीआर। तो अभी तो कोई चांस नहीं कि निसान जीटीआर हमसे मिस हो जाएगी। और अभी भाई 6:55 बचे हुए, तो 44 दिन से मैं अपने ऑफिस में गया भी नहीं था। तो भाई गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई होंगी, तो हम लोग पहले उनको साफ कर ले। भाई कितनी ज़्यादा गंदी हो गई भाई, और देख सकते हो भाई तीनों गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। और कोई बात नहीं, चलो हमने फाइनली हमारी मेहनत का फल मिल गया, निसान जीटीआर आ गई है। और मैं गाड़ी तो साफ कर रहा हूँ लेकिन मेरी पूरी की पूरी नज़र अभी टाइम के ऊपर है, क्योंकि गलती से भी मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी लोगों को साफ कर लेते हैं। और तो अब जल्दी से चलते हैं कार ऑक्शन में, भले ही टाइम अभी बचा हुआ है बट मैं बैठने को रेडी हूँ भाई। तो अभी 4:30 बचे हुए हैं बट मैं नहीं हिल रहा इधर से, ठीक है, गलती से भी मैं नहीं हिल रहा। हो गए तो यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट हो गई है और ऑडी टीटी आई है, तो भाई अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको खरीदने में, मेरे को अपना बस निसान जीटीआर दिला दो मैं पागल हो जाऊंगा। तो हमारी निसान जीटीआर फाइनली कार ऑप्शन में आ गए। और पहले एक काम करते हैं, ये लोगों को लगाने देते हैं फिर अपन लोग लास्ट में लगाएंगे। अरे तो रहने दो ना तुम लोग, मेरे पास 20 लाख डॉलर है भाई, तुम लोग नहीं खरीद पाओगे। ओके 665 हो गया, 674। चलो ओके, तो कार ऑक्शन खत्म हो गया और अपनी गाड़ी अच्छा उधर है। ओके फरारी भैया तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके बैठने से पहले जो हमारी परंपरा है साफ सफाई की, अभी हम लोग इसको पेंट करवाने वाले हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करवाने वाले हैं। और रात हो गई, ओके भले ही रात हो गई बट हम लोग एक टेस्ट ड्राइव तो कर ही सकते हैं। ये होती है आवाज बड़ो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस गाड़ी को चलाते टाइम ना सच में फील हो रहा है कि इस गाड़ी में स्पीड है, ठीक है, सच में फील हो रहा है कि गाड़ी में स्पीड तो है। अरे इसमें ड्रिफ्टिंग किट लगी हुई यार, ये हटाना पड़ेगा। अच्छा वैसे अभी रात है तो कोई तो कुछ करने वाला नहीं है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी सोने और अगले दिन पर आते हैं अपनी निसान जीटीआर को ठीक करने की। ओके तो अगला दिन स्टार्ट हो गया, तो हम लोग पहले इसको रिपेयर करवा लेते क्योंकि ये 2% तक डैमेज थी। ओके तो हमारी हो गई ये निसान जीटीआर रिपेयर, और ठीक है चलो वापस रख दो। चलो तो पहले इसका ड्रिफ्टिंग किट हटवा देते हैं। एंड अवा ये कौन है भाई, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है इस गाड़ी को वेट कराने के लिए। ओके तो पहले इसमें रेसिंग किट लगा देते हैं, टर्बो लगा दो, एनोस लगा दो, ये भी लगा दो, पता नहीं क्या होता है, सस्पेंशन थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अब बारी कलर करवाने की, और मैं गोल्डन और रेड में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो तो रहा हूँ, बट एक काम करते हैं ना अभी गोल्डन रहने देते हैं, बाद में फिर देखेंगे। ओके तो हमारी निसान जीटीआर हो चुकी है एकदम रेडी, एंड भाई वो जो खाली जगह थी उसको भर देते हैं, भले ही आजू बाजू थोड़ी सी गाड़ी कम हो गई है बट फिर भी कोई बात नहीं, लगा ही देते हैं। ओके तो हमने लगभग अपना सारा काम कर लिया, तो अब बारी है इस निसान जीटीआर के साथ ड्रैग रेस करने की, क्योंकि भाई अगर ड्रैग रेस नहीं किया तो क्या फायदा। तो अब हम लोग करने वाले अपनी निसान जीटीआर से पहली रेस। अब एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर मैं गलती से भी इस गाड़ी से हार गया ना भाई, मेरे को ये गेम डिलीट कर देना चाहिए। ओके सो लेट्स गो एंड भाई इसकी स्पीड देखो तुम, इसमें बस स्पीड फील करो इसकी। रेस कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ और वो गाड़ी पता नहीं कहाँ रह गया। ओके तो यहाँ पे एक सेकंड देख सकते हो ऑडी RR है, यानी कि मतलब भाई 4,80,000 लगा रहा है ये। अब कहीं ना कहीं रेस टक्कर की हो सकती है क्योंकि ऑडी RR भी लिटरली बहुत ज्यादा फास्ट चलती है, बट अपने निसान जीटीआर किसी से कम है क्या। ओके तो चलो आज हो गया ऑडी RR वर्सेस निसान जीटीआर, ऑडी RR। ओके एक गलत कर दिया मैंने यार, कोई बात नहीं भाई, क्या फायदा भाई, इसकी स्पीड देखो ऑडी RR इसके बगल में भी नहीं आ पाई है।
तो यहाँ पे देख सकते हो हमने अपने टोटल गाड़ी को लगा दिया यहाँ पे, और सारी गाड़ी तो क्या ही चकाचक लग रही है, और सबसे प्यारी तो भाई अपनी निशान जी रियाली लग रही है, बोलना पड़ेगा। तो आई होप सो तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस निशान GTR को सच में बेचने वाले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में इस निशान GTR को पक्का से पक्का बेचूंगा, और देखूंगा कि मैक्सिमम प्राइस मैं कितना निकाल सकता हूँ। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।